कहाँ चले बाबू? अरे जाना कहाँ है यार, फेफड़ों में ताजी हवा भरने बाहर जाना। आज हवा की जरूरत कोई ज्यादा नहीं पड़ रही। हाँ चौथी बार जा रहे हैं आज। हद होती है भाई, यार मुझे यहाँ का ऑक्सीजन लेवल कम लग रहा है। आज वो ऑक्सीजन सिलेंडर ही नहीं आया। सलमा खाना नहीं छोड़ा यार, बहुत बकवासी है तुम लोग। ऐसे है तो परेशानी की बात, बहुत दिनों से नजर नहीं आया वो। है परसों तो आया था। इस हालत में ऐसा होता है, दो दिन भी दो साल लग रहे होते हैं। अच्छा अच्छा, अब आप लोगों की अनशन मुकम्मल हो गई हो तो मैं जाऊँ बाहर। आओ बेटा, वालेकुम अस्सलाम। आओ जा बैठो। क्या है इसमें? देखा बैठ गए। अच्छा बेटा, अम्मी का शुक्रिया अदा करना। और तबीयत ठीक है? हर है तो कोई दवा तो नहीं होगी ना? अच्छा तो बेटा मेरी तरफ से पूछना और शुक्रिया अदा करना, ठीक है? और ठीक खाओगे? नहीं। अच्छा ठीक है, खुदा। खीर खाओगे लगी तो? बाबू आपके लिए भेजिए, आप खाएं। अरे मेरे लिए कहाँ भेजिए, सबके लिए भेजिए। हम आए मेरे लिए भेजिए। वैसे स्नेक भी खातून है। बात सुनो, तुम दोनों के चेहरे से पता चला है तुम मजीद कुछ कहने वाले हो। अब ज्यादा कुछ नहीं चलेगा, निकलो यहाँ से, फूटो फूटो यहाँ से। खीर खा, काम करना है मुझे, चलो। जिंदगी है, बहुत पढ़े लिखे इंसान है वो। Really? डिग्री तो नहीं है उनके पास, अगर पढ़े लिखे बहुत है वो। अरबी, फारसी, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, कभी शाह लतीफ, बुल्ले शाह पर, या खालिद इकबाल, या फिर शाह वलीउल्लाह पर उनसे बात तो करके देखे। एक अलग ही दुनिया है उनकी। मिलना पड़ेगा उनसे, कमाल के आदमी लगते हैं। ऐसे वैसे हाफिज, साथी, खयाम, उनको जबान ही है। ये क्या है? आई मीन ये किसके नाम है? आप नहीं जानते? नहीं। ये तो फारसी के बहुत बड़े शायर है। वाकई? असल बात है सिला कि मेरी एजुकेशन जो है ना वो हमेशा इंग्लिश स्कूल में हुई है, मैं ज्यादातर बाहर रहा हूँ। तभी आप इतने अजीब से लगते हैं। अजीब से क्या मतलब? अजीब से का मतलब अजीब से यानी